वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा कल लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। इस बिल में प्रवेश वर्मा प्रदूषण मॉनिटरिंग कमेटी को भंग करने की मांग करेंगे। केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस कमेटी से केवल कानूनी मुश्किलें बढ़ी हैं, प्रदूषण कम नहीं हुआ। उनसे खास बातचीत की है टोटल टीवी ने। शीतकालीन सत्र चल रहा है और दिल्ली का पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी सांसद दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा एक बिल लेकर आने वाले हैं प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर, और क्या होगा इसमें दिल्ली में खास बात करते हैं। आप बिल लेकर आ रहे हैं, क्या मांग करने वाले हैं? देखिए, मेरी मांग है कि जो 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी उसको भंग किया जाए, और जब सरकार के पास में अपनी व्यवस्थाएँ हैं दिल्ली को जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जो भी अनऑथराइज इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, तो एक ऊपर से 3 मेंबर की कमेटी पिछले कोई 14 साल से बिठा रखी है, जिसके ऊपर में बहुत लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हो रखा है, और वहाँ पर जाकर उनके सामने केस लड़ना एक अपने आप में बहुत ही टिपिकल जॉब बन गया है, तो उसको भंग कर दिया जाए। जब सरकार के पास में दिल्ली सरकार भी है और MCD भी है, DDA भी है, NDMC भी है, पुलिस भी है, ये सारे लोग काफ़ी सक्षम हैं, इनको अगर सारे अधिकार दे दिए जाएं तो ये सारी एक्टिविटी ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक तरफ पोल्यूशन से लड़ाई, दूसरी तरफ कमेटी को भंग करने की आप बात कह रहे हैं, तो पोल्यूशन पर क्या असर डालेगी ये? देखिए, 14 साल से तो ये कमेटी है, तो ये कमेटी का पॉल्यूशन में आज तक कोई इनका कोई ऐसा कोई योगदान नहीं रहा है, और तीनों की उम्र बहुत 80-80 साल के करीब हो चुकी है, और ना तो ये कोई बात सुनते हैं, ना किसी बात को समझते हैं, ना दिल्ली को जानते हैं। तो जब अपने पास में हमारे डिपार्टमेंट ही सक्षम हैं, तो एक अलग से बार बार एक एक डिपार्टमेंट को दिल्ली में बिठा देना और एक और वो नई व्यवस्था खड़े होना, लोगों को परेशान करना, ये मैं ठीक नहीं समझता। केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार के लिए केंद्र अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, केंद्र में आप जैसे सांसद कहते हैं कि केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, जहाँ तक पोल्यूशन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जितनी भी समस्या जो कारण है पोल्यूशन दिल्ली में क्यों हो रहा है, उसके जो सबसे प्रमुख कारण है अगर उसकी बात करेंगे, तो वो सारे कारण दिल्ली सरकार से संबंधित है। जब वो पराली पराली चिल्लाते हैं, तो पराली का योगदान केवल 7% है, और पराली उन क्षेत्रों में जलाई जा रही है जहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल राजनीति करना जानता है, अपने ऊपर कोई भी दोष नहीं लेता। अगर दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोई प्रदूषण का कारण है, तो वो दिल्ली सरकार है। दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन दिल्ली का मुख्यमंत्री है, और भारत का सबसे प्रदूषित पानी वो दिल्ली में है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मगर इसकी जिम्मेदारी भी वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, तो वो 100% पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं, मगर कोई भी जिम्मेदारी लेने को बचते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और प्रदूषण को लेकर दिल्ली की राजनीति जारी है, बयानबाजी जारी है, और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अब एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं, जिसमें वो मॉनिटरिंग कमेटी जो बनी हुई है प्रदूषण को लेकर, उसको भंग किया जाए, ये मांग करने वाले हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार।